तो गुरु जी आज जो कार्यक्रम किस प्रकार का कार्यक्रम था, कहाँ पे आपने पहुँचा? मतलब आपके माध्यम से गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गुरु मतलब एक अंधकार से प्रकाश को लाने वाला तत्व, जहाँ अज्ञानता है वहाँ गुरु है। तो आज का गुरु पूर्णिमा उत्सव हमने भैरवगढ़ जेल प्रशासन, नावर साहब जी और मोदी के सहयोग से हमने बंदी भाइयों को मार्गदर्शक दिवस के रूप में मनाया, जिसमें संदेश दिया कि आपकी अज्ञानता आपको यहाँ पर लेकर आई है। वो संकल्प दिलवाया और सभी ने तन मन के साथ लिया, संकल्प लिया कि जब तक यहाँ पर रहेंगे अपने आपके विवेक रूपी गुरु के साथ रहेंगे और जेल प्रशासन के नियम के अनुसार रहेंगे, वो बाहर जाकर एक अच्छा नागरिक का जीवन जिएंगे और यहाँ पर वापस नहीं आएंगे, अगर आए तो एक अच्छे नागरिक के रूप में मदद करेंगे। हाँ, शायद जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था, क्या मंत्र दिया? आपके माध्यम से उज्जैन की सांदीपनी की नगरी में गुरु पूर्णिमा को प्रणाम करते हुए, आपको शुभकामना देते हुए मैं आया हूँ यहाँ पर भैरवगढ़ जेल प्रशासन की अनुमति के बाद मार्गदर्शक दिवस गुरु पूर्णिमा का नया रूप लेकर और बंदी भाइयों से बात करने की। उनकी अज्ञानता ही उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बंदी के रूप में बनाया। तो आपके जीवन का पहला गुरु आपका विवेक है, अपने विवेक का उपयोग करें, काम क्रोध लोभ विषय दूर रहें, यह संकल्प हमने उनको दिलवाया और उनके साथ भजन के साथ गुरु पूर्णिमा मार्गदर्शक दिवस हमने मनाया। उनको क्या संदेश दिया ताकि यह संदेश ये दिया कि जीवन एक क्षणिक है, जब तक रहें आपस में प्रेम बनाकर रहें, जेल के प्रोटोकॉल के हिसाब से रहें और अपने मन की परिस्थिति से अपने विवेक को ना बहने दें, अपने विवेक को सर्वोपरि रखें। अगर आप आपके साथ हैं तो हिंदुस्तान का हर दिव्य शक्ति आपके साथ है।